हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये एक ब्यूटीफुल सी हेक्सागनल मैट बनानी सिखाऊंगी। ये बहुत इजीली बन जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका कुछ एफर्ट लगा है। बस इसके लिए आपको कुछ बचे खुचे कपड़े, या फिर यूं कहिए अगर आपने टू कलर्स की बनानी है तो आप मार्केट से कपड़ा भी परचेज कर सकते हैं। मैंने तो घर में कुछ बचे हुए अपने कपड़े जो हैं उनमें से ये बनाई है। इसको बनाने के लिए हमें हेक्सागनल शेप्स चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं आपको हेक्सागनल शेप काटना सिखाऊंगी कि हेक्सागनल शेप कैसे काटी जाती है। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक स्क्वेयर पीस लेंगे 4x4 इंच का, ठीक है। 4x4 इंच का हम एक गत्ते का पीस लेंगे और उसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ठीक है। ऐसा फोल्ड करने के बाद हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो हम यहां पे एक स्ट्रेट लाइन से निशान लगा लेंगे, ठीक है। अब ये जो हमारा लाइन है, इसके साथ साथ हमने इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है एक साइड से। सिर्फ ऐसा फोल्ड करने से हमें इस लाइन का सेंटर मिल जाएगा, ठीक है। ये हमें सेंटर मिल गया इसका, ये सेंटर है, ठीक है। ऐसा करने से हमें इसका सेंटर मिल गया। अब हमें इन दो जो हमारे मेयरमेंट है, ये हाफ मेयरमेंट है क्योंकि ये 4 इंच का है, 2 इंच इधर है, 2 इंच इधर है। अब हमने 2 इंच का हाफ लेना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फोल्ड है इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो हमें इसका भी सेंटर मिल जाएगा। ये हमारा इसका सेंटर है, ठीक। हमें दो सेंटर मिल गए। अब हमें इन दो सेंटर का सेंटर चाहिए। इन दो सेंटर का सेंटर लेने के लिए हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, हम ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये जो हमने अभी लगाया और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो इसका सेंटर मिल जाएगा। ये इसका सेंटर है, ठीक है। अब इस पॉइंट से हम ये जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है यहां से हम ज्वाइन कर लेंगे पेन की मदद से। ज्वाइन करने के बाद हम इस पॉइंट से इसको फोल्ड करेंगे अब स्क्वायर को, ठीक। इसको इधर से स्क्वेयर फोल्ड करेंगे तो ये हमें ऑटोमेटिकली एक लाइन और मिलगी। इसको हम इसके ऊपर ऐसे ही फोल्ड कर देंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, समझ आ गई। और उसके बाद हम इसको बैक साइड में ले जाके यहां पे ये दोनों पॉइंट्स मिल रहे हैं, यहां पे हम पेन की मदद से, स्केल की मदद से एक और लाइन लगाएंगे और यहां से हम इसको कट कर देंगे तो हमें एक कंप्लीट हेक्सागन मिल जाएगा। तो एक बार फिर मैं आपको इसको बताती हूँ कि इसको कैसे करना है। सबसे पहले आपने इसको स्क्वेयर पीस को ऐसे फोल्ड कर लेना है, ठीक है। ऐसे फोल्ड करने के बाद इसको ऐसे फोल्ड करना है तो हमें सेंटर लाइन मिल जाएगी। सेंटर लाइन मिलने के बाद हमें ये जो हमारी स्क्वेयर का साइड है, इस साइड हमें इसका हाफ चाहिए तो ये पॉइंट मिल गया, इसका हाफ चाहिए तो ये पॉइंट मिल गया। आप यूं भी कह सकते हैं ये 1 इंच और 1 इंच पे पॉइंट है। अब इन दोनों को, जो बीच के पॉइंट है, इन दोनों का हाफ चाहिए तो हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ऐसे जोड़ेंगे तो इसका हाफ मिल जाएगा। ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट को हम टॉप से ज्वाइन करेंगे यहां और ये लाइन मिल जाएगी। इस लाइन को फोल्ड करेंगे तो हमें ये लाइन मिल जाएगी। ये लाइन मिलेगी तो हम इसको इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे तो हम इसको जब बैक पे करेंगे तो ये हमें ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये मिलेगा। इसको ज्वाइन करने से हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और इसको हम सीजर की मदद से काट लेंगे। तो ये देखिए, ये हमें हेक्सागन मिल गया। अब ये हेक्सागन बिल्कुल कंप्लीट हो, आप इसको डबली श्योर कर सकते हैं, हर पॉइंट को आप मेजर कर सकते हैं और अगर आप देखते हैं कि इसको थोड़ा सा भी फर्क है तो उसको आप ट्रिम करके बराबर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने हेक्सागन तैयार कर लेना, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम ये जो हमने हेक्सागन बनाया है इसको जब हम पूरा सा पूरा बना लेंगे, इसके सारे साइड एक बराबर कर लेंगे, फिर हम इसको किसी हार्ड कपड़े गत्ते के पीस के ऊपर इसको उतार लेंगे और उसको काट के ऐसे एक
हेक्सागन बना लेंगे। ये थोड़ा स्टिफ हो, ये तो थोड़ा बारीक है, इसका पता नहीं लग रहा ना, तो आप थोड़ा सा स्टिफ गत्ते के पीस को बना के रख लेंगे। अब ये आपका सांचा है, इससे आप बाकी के पीसेस काटेंगे। तो इनके सहारे अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक टेट्रॉन लेंगे। आपको शायद मैंने पहले भी बताया है, ये पेस्टिंग होती है, ये पेस्टिंग है जिसे बुकरम भी कहते हैं। ये मार्केट में मिलती है और ये ज्यादातर सलवार के पोंचे में डालने के काम आती है, या फिर किसी और प्रोजेक्ट में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपने स्टिफनेस देनी है, तो इसकी एक तरफ शाइनिंग है जैसा कि आप देख ही रहे हैं, इसके ऊपर वैक्स लगी होती है। अगर हम इसकी प्लेन साइड जिसके ऊपर वैक्स नहीं लगी है उधर से प्रेस करेंगे या किसी के साथ चिपकाएंगे तो ये आराम से चिपक जाती है। तो इसको पेस्टिंग भी कहते हैं, बुकरम भी कहते हैं, टेट्रॉन भी कहते हैं। तो आप ये वाली, और कोशिश करें कि थोड़ी बारीक वाली लें, एक थोड़ी मोटी आती है, आप जितनी फाइन और फाइन क्वालिटी की ले सकते हैं आप मार्केट से ले सकते हैं, ये बहुत महंगी नहीं होती। उसके बाद आपने क्या करना है कि इनके पीसीज काट लेने, जितना बड़ा आपने शीट या मैट बनानी है आपने बुकरम के पीसीज काट लेने हैं, सारे जो आपने सांचा बनाया है इससे आपने सारे पीसेस काट के रख लेने। अब उसके बाद हमें चाहिए क्लॉथ। क्लॉथ के लिए हमने क्या करना है, कोई भी जो भी कपड़े का हमने मैट बनानी है उस कपड़े को हमने रख के नीचे, ऊपर से हमने ये चिपकाने वाली जो साइड है इसको कपड़े की तरफ रखना है ऐसे, और इसको ऊपर से प्रेसिंग कर देंगे, प्रेस की मदद से, जैसे ये अपने आप इसमें चिपक जाएगी, जैसे ये चिपक गई। ओके, इसके चिपकने के बाद हमने क्या करना है कि हर तरफ से इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके प्रेसिंग कर लेनी, प्रेस की मदद से हमने इसको प्रेस कर लेना, फिर इधर से प्रेस करना। ये नहीं चिपकेगा, ये लूज ही रहेगा क्योंकि चिपकाने वाली साइड हमने अंदर की तरफ रखी है। इसको फिर इधर से इस तरीके से हमने चारों तरफ प्रेस करते हुए इन पीसीज को तैयार करके रख लेना है, जैसे मैंने ये पीसीज तैयार करके रखी है। मैंने इनको पहले चिपका लिया, चिपकाने के बाद इनको कस के प्रेसिंग कर ली, तो ऐसे पीस रेडी हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारा है इसको हमने शीट के ऊपर कैसे लगाना है। तो कोशिश करें कि आप इसको कॉटन के कपड़े के ऊपर ही लगाएं। मैंने ये खादी केसमेंट का कपड़ा लिया है, इसके ऊपर मैं इसको चिपकाऊंगी, चिपकाना नहीं, मैं इसको स्टिच करूंगी। स्टिच करने के लिए मुझे सबसे पहले सेंटर में एक पीस जो है वो अटैच कर लेना है। ये मैंने स्विंग मशीन से इसको, ये देखिए, चारों तरफ से सिल लिया है। इसके दूसरी तरफ देखो प्लेन है बिल्कुल, इधर मैंने प्लेन धागा लगाया, इस तरफ मैंने ब्लू कलर का ही लगाया। मैं चूंकि मेरे पास हर तरह की रील्स हैं इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही, मैं हर तरह के रील्स को इसके साथ मैच करके रखा है, और मैं इसको जैसे जैसे जो जो कलर आएगा मैं इसको अटैच करते जाऊंगी। अब मेरा काम है कि मैंने इसको कितना बड़ा बनाना है। मैंने तो इसको सिर्फ ये 6 फ्लावर का फ्लोरेट भी अभी बना रही हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, ये जो मैंने अपना पीस बनाया था इसका कार्डबोर्ड का, इसको मैंने, अब पहले फर्स्ट पीस चिपका लेना आप सेंटर में, चिपका लेना मींस आपने इसको स्विंग कर लेनी है चारों तरफ से, ठीक है। आपने इसको इसके ऊपर अटैच कर लिया, अटैच करने के बाद आपने इस पीस को यहां पे रखना है ऐसे, और इसके चारों तरफ आउटलाइनिंग लगा लेनी। इसी तरीके से आपने इसके इस तरफ रखना है और इसके चारों तरफ आउटलाइनिंग, जैसे कि मैंने देख, आप देख रहे हैं मैंने चारों तरफ फ्लावर बना लिया है, इसके चारों तरफ मैंने निशान लगा लिया है। अब निशान लगाने के बाद मैं इसको सिलूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं इसके मार्जिन रख के इस सारे पीस को काट लूंगी, थोड़ा थोड़ा मार्जिन रखूंगी आउटलाइनिंग पे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इसको बैक पे करके इसको दोबारा से स्टिच करूं। जो ये वाली साइड आएगी, रॉ एजेस आएंगे, उनको मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर लूंगी। तो मैं क्या करूंगी, अब इसको काट के रख लूंगी। ये देखिए मैंने पूरे चारों तरफ से इसको मार्जिन रख के काट लिया, ठीक है। काटने के बाद मैंने इनको बीच में स्लिट कर लिया है ये पॉइंट्स पे। अब जैसे मैंने ये सेकंड वाला जो आपका, मानो मैंने ये वाला यहां पे अटैच करना है स्विंग मशीन से, तो मैं इसको अटैच करते हुए यहां से शुरू करूंगी, यहां से अटैच करूंगी, ऐसे अटैच करूंगी। जब मैं यहां पे पहुंचूंगी तो मैं ये जो वाला पोर्शन है इसको अंदर फोल्ड कर लूंगी और फिर उसको ऐसे स्टिच कर लूंगी, ठीक है। या मैं यहां पहुंचूंगी तो इसको मैं इसको अंदर फोल्ड कर लूंगी इस तरीके से, और फिर यहां पे ऐसे स्टिच करूंगी।
इसको कोई पिनअप करने की जरूरत नहीं, जैसे जैसे आप मशीनिंग करोगे ये साथ साथ अटैच होते जाएंगे, और जब इस तरफ आऊंगी तो मैं इसको ऐसे अंदर फिनिश कर लूंगी। तो इस तरीके से जब मैं इसको फिनिश करूंगी तो ये बैक साइड से भी बिल्कुल फिनिश्ड वे से आएगा, आपको कुछ भी लगाने या हेम करने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत सुंदर सा फ्लावर बन के रेडी हो जाएगा। तो मैं आपको एक एक करके सारे पीस अटैच करके दिखाऊंगी। ये देखिए ये कितने फिनिश्ड वे से लगता है, और आप इधर देखेंगे तो इधर से भी उतना फिनिश्ड हो, तो कहीं पे एजिंग या कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से आप बाकी के सारे पीस पीस के चारों तरफ लगा लेंगे और एक ब्यूटीफुल सा कलरफुल मैट बन जाएगी। ये देखिए ये ब्यूटीफुल सी हेक्सागोनल मैट बन के रेडी होगी। आप इससे दोहर तो नहीं बना सकते क्योंकि ये ओढ़ने में थोड़ी स्टिफ है। आप ब्रेड स्प्रेड बना सकते हैं, आप डाइनिंग टेबल शीट बना सकते हैं, आप सेंट्रल टेबल रनर बना सकते हैं, आप बैक साइड टेबल जो आप बेड साइड्स पे रखते हैं उनके टेबल के मैट्स बना सकते हैं। तो ये आपकी इमेजिनेशन है, आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल बनती है, हनीकॉम्ब्स की तरह दिखती है, और आप घर के बचे हुए कुछ जो पीसे होते हैं उनसे भी आप इसे कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो इसके लिए मेन आपने जो चीज ध्यान रखनी है, आपका हेक्सागोनन जो है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए, उसके साइड सब इक्वलेंट होनी चाहिए। जब इक्वलेंट होगी तो आपको जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जोड़ने के लिए मैंने जैसे आपको बताया ही है, सबसे पहले आप सेंट्रल पीस जोड़ेंगे, ठीक है। सेंट्रल पीस जोड़ने के बाद जो नेक्स्ट पीस है वो यहां से शुरू करेंगे, आप यहां से नहीं शुरू करेंगे, इसके साथ शुरू करेंगे, यहां से शुरू करेंगे और यहां से इधर को आते हुए इसको मोड़ के यहां पे ले जाते हुए ऐसे ऐसे और ऐसे, फिर जब आप नेक्स्ट शुरू करेंगे वो भी आप यहां से शुरू करेंगे, सेंट्रल पीस के साथ से ही शुरू करेंगे। अगर आप बाहर से शुरू करेंगे तो आपका ठीक से नहीं आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको सेंटर से ही शुरू करें। और दूसरी बड़ी बात, कई लोग जैसे आप देखते हैं कि ट्रांसपेरेंट थ्रेड मिलता है मार्केट में, उससे बना लेते हैं। उससे क्या होता है कि वो प्लास्टिक का थ्रेड होता है, प्लास्टिक का थ्रेड अगर आप इसको हॉटपॉट मैट बना रहे हो तो वो जो प्लास्टिक का थ्रेड है वो तो जल जाएगा अगर आप इसको गर्म चीज रखेंगे, या फिर कभी आप प्रेसिंग करते हो तो वो जल जाएगी और सारे पीसेस खुल जाएंगे। तो जो आप भूल कर भी प्लास्टिक की जो आप रील है वो कभी यूज ना करें, कोशिश करें कि आप हर कलर की ये रील जो है वो इसके साथ की मैचिंग ही लगाएं तो ज्यादा बढ़िया बनेगा। तो आई होप कि आपको ये मेरा मैट बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप इसको जरूर ट्राई करेंगे। ये बहुत इजी है, बहुत जल्दी बनता है। तो इसके नीचे लगाने के लिए प्रेफरेबली कॉटन मैट ही यूज करें, खद्र केसमेंट यूज करें, या कोई मोटी बेडशीट यूज कर सकते हैं। इवन आप अगर घर के मैट्स बनाने चाह रहे हो तो आप पीछे अपनी पुरानी जीन्स के कपड़े भी लगा सकते हो, उससे भी ये मैट अच्छी बनेगी। लेकिन अगर आप शीट बना रहे हो तो आप प्रेफरेबली मोटा कॉटन की शीट ही यूज करें। तो आई होप कि आपको ये मेरा प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा होगा और आप इसको जरूर लाइक करेंगे। और अगर अच्छा लगे तो आप प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको टाइम से मेरी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई भी मेरा वीडियो मिस ना करें। और आप मेरे फेसबुक पेज पे भी जाके देख सकते हैं, वहां पे भी आपको कुछ ब्यूटीफुल से मोटिव दिखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।